Hello and welcome to the series Know Your Superfoods. I am Madhvi, nutritionist, certified diabetes educator and founder of Informed Health. और आज हम जिस superfood, super herb के बारे में बात करने वाले हैं, उसे कहा जाता है the mother of all herbs. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं garlic, यानी कि लहसुन के बारे में. लहसुन अगर हम history देखें तो हमें पता चलता है कि 4000 BC में जब हमारे सबसे पुराने पिरामिड्स का निर्माण हो रहा था, तब जो चीफ हेड टीम लीडर मान लीजिए, जो उनके कंस्ट्रक्शन के चीफ इंचार्ज थे, उन्होंने ये रूल बनाया था कि उनके पूरे स्टाफ को हर रोज सुबह उठकर गार्लिक का सेवन करना है और फिर काम पर आना है. उनका मानना ये था कि गार्लिक इज इम्यूनिटी बूस्टिंग, जिसकी वजह से उनका जो स्टाफ है वो बीमार नहीं पड़ेगा, छोटे छोटे इन्फेक्शन से उनकी तबीयत खराब नहीं होगी, जिसकी वजह से उनका काम सही टाइम पे खत्म होगा और उनके काम पे नुकसान नहीं होगा. तो हम बात कर रहे हैं गार्लिक की. अब आप सोचिए, इतने पुराने समय से गार्लिक की थेरेप्यूटिक वैल्यूज के बारे में वर्ल्ड वाइड स्क्रिप्चर्स में सुनने पढ़ने को मिलता है. इंडिया में जब हम बात करें तो गार्लिक हमें दो प्रकार की मिलती है. एक सफेद गार्लिक, ये कॉमनली अवेलेबल गार्लिक है, इसे हम स्टिफ नेक गार्लिक भी कहते हैं. स्टिफ नेक गार्लिक ये इसलिए कहलाती है क्योंकि इसके बीच में एक ये स्टिफ डंठल, एक स्टिफ स्टेम होती है और उसके आसपास बहुत ब्यूटीफुली अरेंज होते हैं सभी पॉड्स, गार्लिक की कलियां. उसी तरह से हमारे यहाँ हिमालयन गार्लिक भी पाई जाती है, जो छोटी होती है, थोड़ी येल्लो उसका कवर होता है और बहुत ही सुंदर फिल्म पेटल की तरह दिखती है, और इसे हम सिंगल पॉट या फिर लोटस पेटल गार्लिक भी कहते हैं. ये और नॉर्मल गार्लिक में ये फर्क है कि सिंगल पेटल गार्लिक इज 7 times मोर पोटेंट देन द वाइट गार्लिक. इनके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो गार्लिक है उसमें एक बहुत एसेंशियल कंपाउंड जो पाया जाता है उसका नाम है अलाइल सल्फेट. सल्फर जो इसका चीफ कंपोनेंट है, जिसकी वजह से इसके सारे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज होते हैं. उसी के साथ साथ इसमें आयोडीन और क्लोरीन भी पाया जाता है. ये तमाम कंपाउंड्स जो हैं गार्लिक को एंटीसेप्टिक, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीवायरल, एंटी कैंसरस और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देते हैं. आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं कि हमारे बॉडी में गार्लिक क्या क्या फंक्शंस प्ले करती है. सबसे पहले, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और हम सब इस लॉकडाउन में हैं, कोरोना हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि हमारे ब्रीदिंग ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, तो गार्लिक जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए बहुत 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 ज़्यादा फायदेमंद है. ये हमारे जो साइनसेस हैं उसमें म्यूकस जो जमा हो जाता है, या हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स में जो म्यूकस जमा हो जाता है उसे डिसॉल्व कर सकती है और वो हमारे साइनसेस को क्लियर रख सकती है. उसी के साथ साथ ये हमारे लंग्स को रिज्यूविनेट और डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है. तो गार्लिक एक बहुत अहम भूमिका निभाती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन्स के लिए. उसी के साथ साथ पीपल हु आर एस्थमैटिक, यानी कि वो लोग जिनको अस्थमा है, उनके लिए गार्लिक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है. मूविंग ऑन, अगेन लॉकडाउन के दौरान देखा जा रहा है बहुत से लोगों को इमोबिलिटी, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, इराटिक रूटीन की वजह से गट प्रॉब्लम्स यानी कि डाइजेस्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स उभर के आ रही है. गार्लिक क्योंकि एक प्रीबायोटिक है, यानी हमारे गट बैक्टीरिया, जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया है हमारे इंटेस्टाइन में, उनका खाना है, तो ये प्रीबायोटिक का रोल अदा करते हुए हमें हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को बरकरार रखती है और हमें हमारी गट को स्ट्रॉन्ग रखती है. इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे तमाम जो कंसर्न्स होते हैं उसमें गार्लिक बहुत फायदेमंद है. सिमिलरली इसमें बहुत से लाइव एंजाइम्स होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करने में मदद करती है. उसी के साथ साथ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स में मदद करती है, जिसकी वजह से ये एक कॉन्स्टिपेशन का भी क्योर के रूप में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसा कि मैंने शुरू में कहा, गार्लिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं. स्पेशली जब हम बात करते हैं ये जम्मू गार्लिक या कश्मीर गार्लिक की, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जब भी जोड़ों के दर्द, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात होती है, तो हमेशा नेचुरोपैथ्स जो हैं ये सिंगल पेटल गार्लिक को रेकमेंड करते हैं. ये हमारे जॉइंट एक के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है.
यहाँ तक कि ना सिर्फ खाने में बल्कि इसको घिस के ऊपर से इसका मसाज करने में भी इसके जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अफेक्टेड जो भी हमारा एरिया है उसकी स्वेलिंग कम करते हैं, उसका दर्द कम करते हैं और यू नो रिलीफ देते हैं. अब लेट्स लर्न अबाउट हाउ वी कैन यूज दिस गार्लिक इन आर डेली रूटीन. सबसे पहले तो आप सुबह, अगर आप सुबह जब उठते हैं अगर आप खा सकें तो दो गार्लिक के पॉड आप इसको छील कर और हल्का सा क्रश करके आप इसको निगल सकते हैं पानी के साथ. ये इसको क्रश करना इसीलिए ज़रूरी है कि जैसे मैंने शुरुआत में बताया था अलाइल सल्फेट जो है एक वोलेटाइल कंपाउंड है जो कि रिलीज होता है व्हेन इट इज क्रश अ लिटल. तो ये हुआ सुबह का यूज़. उसी के साथ साथ बहुत से लोग इस दो पॉड्स ऑफ गार्लिक को घिस के एक कप दूध में उबाल के भी इसका सेवन किया जा सकता है. आजकल हम बार बार इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बोल रहे हैं कि सोने से पहले हल्दी मिल्क का सेवन करें, तो गार्लिक एंड टर्मरिक मिल्क को हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं. उसी के साथ साथ अगर आपको कफ या कोल्ड की समस्या है आप दो गार्लिक दो या तीन गार्लिक को क्रश करके उसके ड्रॉप्स 2-3 drops ऑफ गार्लिक जूस का सेवन 2-3 बार पूरे दिन में कर सकते हैं जिससे कि आपका कफ एंड कोल्ड जो है जल्दी ठीक हो जाएगा. उसी के साथ साथ हम गार्लिक इन्फ्यूज्ड हनी भी बना सकते हैं जो कि अगर बच्चों को लगता है कि गार्लिक इज वेरी पंजेंट तो हनी के साथ 1 tablespoon गार्लिक उन्हें दिया जा सकता है. इसको बनाने का तरीका ये होता है कि एक बॉटल रॉ हनी को ले लीजिए और उसमें 8-10 गार्लिक के जो पॉड्स हैं इनको आधा या और बारीक बारीक काट के आप उस हनी की शीशी में डाल दीजिए एंड लेट इट स्टीप फॉर अबाउट 8-10 days. 8-10 दिन तक उसे रखिए ताकि वो हनी जो है पूरी तरीके से गार्लिक के थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज से इन्फ्यूज हो जाए एंड देन एवरी डे यू कैन हैव 1 teaspoon ऑफ दिस इन्फ्यूज्ड गार्लिक इन्फ्यूज्ड हनी. यू कैन गिव इट टू योर चिल्ड्रन, यू कैन ईट इट योर सेल्फ. इट इज अ ग्रेट इम्यूनो बूस्टर. गार्लिक जो है उसको हम घी में भी, गर्म घी में भी थोड़ा सा रोस्ट करके हम खिचड़ी या चावल, दाल चावल या दाल के ऊपर तड़का देने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये जो इसके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये घी में बहुत ब्यूटिफुली एब्जॉर्ब हो जाते हैं. और घी वैसे भी, क्योंकि हमें पता है कि घी इज द बेस्ट काइंड ऑफ फैट, इट इज ऑल्सो अ प्रीबायोटिक. तो गार्लिक एंड घी का कॉम्बिनेशन ना सिर्फ आपके मील को एक अलग लेवल पे ले जाता है बट उसी के साथ साथ आपकी बॉडी में ये सारे थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स को एब्जॉर्ब होने में मदद करता है. आई एम श्योर दैट यू आर फुल्ली कन्विंस्ड टुडे दैट द गार्लिक इज अ सुपर फूड एंड राइटली कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल हर्ब्स. आप देखते रहिए हमारे सीरीज और पहचानिए अपने आसपास के सुपर फूड्स को. इस लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए इन नेचुरली अकरिंग थेरेप्यूटिक फूड्स का जिससे कि आपकी सेहत बरकरार रहे, आप हेल्दी रहें. स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग.